एक बार आप बड़े निर्मल जी कोई नहीं सारे साइड ते आ जाओ प्लीज सारे नु हाथ बन के बेनती है तुसी बड़े जोश दे नाल पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का स्वागत किया सारे दा सोखी आ रहा बई मैं बेनती करा भी स्टेज है जेडी थोड़ी जी आप थोड़ा जा अनुशासन दे विच रह के साडे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी डिप्टी सीएम साहब का डिप्टी सीएम साहब साडे विचकार पहुंचे आ यूथ प्रधान हुण मैं बेनती करा साडे हलका इंचार्ज सरदार कुलवंत सिंह जी कीतू सारे उन्हां दी बेनती नूं प्रवान कर दे तुसी बड़ा जोश है मैं पहला सब तो पहला उह साडे प्रधान साहब नूं जीओ आया आखणगे सरदार कुलवंत सिंह जी कीतू हलका मुख सेवादार बरनाला कुलवंत सिंह कीतू जी मेरे बहुत ही मान ते सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब बहुत सत्कारयोग सरदार सरबजीत सिंह जी झिंजर साहब समुची सारी ही बरनाले हलके दी सीनियर लीडरशिप मेरे बड़े छोटे भरा सारे पिंडा तो आए सारयां नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक बारी आपां जकारा बुला दे झंडे खड़े करके प्रधान जी नूं दस दईए ये कहिंदे आ वी बरनाला पिछे रह जांदा हलका अज प्रधान जी का भुलेखा दूर करना आपां सारयां ने बोले सोनियाल प्रधान जी दो साल पहला जेड़ी हवा चली उदे वेच लोकां ने एक भुलेखे दे नाल वोट पाती एक उम्मीद दे नाल वोट पाती भी आउण वाली सरकार शायद साडे पंजाब नूं किसे चंगे पासे लै जे पर दो साल हो गए उन्हां ने जे कहीए तां बेड़ा ही थले करता साडा पंजाब दा साडे बरनाले 200 मुंडा हस्पताल कोले नशियां दे टीके लाई जांदा रहिंदा खड़ा उत्ते पुलिस दे बस भी नहीं जे कोई थाने ले जाया नूं किसे दी घटना वापर जांदी आ तां उपरले अफसर इन्हां ते परचा दे दिंदे आ सरकार दा कोई ध्यान नहीं गा प्रधान जी अज दा जिहड़ा इह हजूम आ यूथ जिहड़ा तुसीं हलके दा देख रहे हो तुहानूं आउण वाली सरकार बनाउण लई देख रहा भी श्रोमणी अकाली दल दी सरकार आवे इह अज दा दो साल दा जिहड़ा इन्हां दा लेखा जोखा उह अज दा तुहानूं इह इकट्ठ दस रहा ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਸਵਰਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਅਮਰ ਰਹੇ ਸਵਰਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਅਮਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ
श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी उन्हां दे नाल अज दे इस समागम की अगवाई कर रहे बहुत ही सत्कारयोग हलका बरनाले दे मुख सेवादार सरदार कुलवंत सिंह कीतू जी उन्हां दे नाल समुची ही इस हलके की सीनियर लीडरशिप जिला प्रधान साहब यूथ अकाली दल दे पंजाब दे जिले दे सर्कलां दे सारे ही मेरे सत्कारयोग अहुदेदार साहबान सामने बैठे हजारां दी तदार च नौजवान साथियों गज बज के फतेह दी सांझ पाओ वाहिगुरु जी का खालसा। जिड्डा वड्डा कट्ठ फिर फतेह भी ओडी चाहीदी आ ते हलका होवे पंजाब दे इथों मैंबर पार्लीमेंट रहे ने पंजाब दे हुण जिहड़े मौजूदा मुख्यमंत्री ने सब तों इतिहास दे पंजाब दे सब तों झूठे मुख्यमंत्री कन्न खोल दो कन्न आस्तकारयोग मीडिया खड़ी है दिखा दो कैमरे घुमा के कि जिथों ए बदलाव वाला कीड़ा शुरू होया सी माफ करना गुस्सा ना करो ए संगरूर ते परनाले वाले नहीं चक्या सी कम सब ते पहला पर थोनू बधाई है कि इहदे मूहरे डंडा चक के भी तुसी खड़े हो डंडा चक के आ थोड़ा कट दसदा अजदा इसलिए फतेह उमे बुलायो पता लग जाए पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियों नूं दस दियो कि आप बदलाव वाले कीड़े नूं चक के दिल्ली तो पारो कड़गावां मारांगे हुण गज वज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा। अज दा थोड़ा इकट्ठ इस गल दी गवाही भर गया कि पंजाब दे नौजवान ए समझ चुके ने कि जेड़ा बदला नहीं ए बदला सी बदला तो बदला लैण लई आए ने आ नौजवान बैठे ने हजारां दी तदार चा स्टेज ते बैठे ने यूथ आले वीर एसओई आले स्टूडेंट नौजवान वीरों मीडिया दे माध्यम रही सुन रहे पूरे देशां विदेशां दे विच बैठे मेरे नौजवान साथियों बड़ी भारी गलती होई आ बड़ी भारी ए बदला दे कीड़े ने पंजाब नूं ओह खूह विच सट दिता जिहदे विचों कढ़न लई कई साल आपां नूं लग जाणे आ कई साल। हालात की ने अज हालात ए ने कि आ खड़े ने नौजवान दस्तारा सजाई बधाई दिना मैं सारे नौजवान वीरां नूं कि तुसीं स्टेज ते केसरी दस्तारा सजा के खड़े हो ते इस गल दा सबूत दे रहे हो कि थोड़ी अणख ते गैर जींदी है थोड़ी जमीर जागदी है तुसीं अज भी खालसा पंथ लई पंजाब लई पंजाबीत लई पंजाब दी भाईचारक सांझ लई फिक्रमंद हो। अज हो की रहा है आ विच कई सीनियर आगू साहिबान भी बैठे ने अज पंजाब दे हालात उथी आके खड़े ने जिथों 40 साल पहला स्टार्ट होए सी 40 साल पहला शुरू होए सी ओही नहर पंजाब दा पानी जिहड़ा पानी पहला देश दी आजादी तों बाद धक्के नाल पंजाब तों खोया गया ते बाद विच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस ने खूनी पंजे ने टक ला के ओ पानी होर लियाण लई नहर पुट्टी। कल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जाके आए ने कपूरी जिथों इहदी जड़ बन्नी गई सी नहर दी ते उत्थे जाके तहिया करके पंजाब दे विच ते पंजाब तों बाहर वसदे पंजाबियां नूं
इस गल का भरोसा दे के आए ने कि जो मर्जी करना पै जे, जेड़ी मर्जी हद तक जाना पै जे, भवा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवे, जेड़ी मर्जी कोर्ट का फैसला आवे, भवा देश दे सरकारां कोई फौज भेजन आर्मी भेजन, पर पंजाब दे विचों एक बूंद भी काली बाहर नहीं जान देंगे, एक बूंद भी। ए पानी नहीं मित्रों, ए अपने आने वाला भविख है, क्योंकि पानी बिना कोई जिंदगी नहीं, ना फसल होनी है, ना फसल हुई तेरे दे नाल ही नस्ल भी बर्बाद हो जानी है, जो रुजगार ही नहीं। आ पहले ही पंजाब का की हाल होया पिया, नौजवान बाहर नू जाई जांदे ने, हालात ए हो पे ने, ते बजुर्ग इत्थे विचारे तक्के खा रहे ने। सो इसलई ए लड़ाई केवल ते केवल आ श्रोमणी अकाली दल दी स्टेज तो ही एक डा के लड़ सकते हैं, एक डा के। आ बाकी दिल्ली वाले डमरू ने भवा कांग्रेस है, कल ड्रामा जा करते सी, कल नू लगे ने करना, ते भाई ये बीज तां तुसी बीजिया सी, ते बीजेपी वाले वो भी कल ड्रामा जा करके गए ने। पतंदरो जे इना पंजाब दा फिकरा कहो, अपने प्रधानमंत्री नू कहो, गृह मंत्री नू कहो, सिंचाई मंत्री नू कहो कि देन उत्थे एफिडेविट। मेरी बेनती है, तुसी सारे सुन रहे हो, जे कोई गल गलत लगे तां उठ के बांह फड़ लियो, जे गल गलत ना लगे फिर एक गल दा तहिया करके जायो कि कल्ले कल्ले पिंड जिथे जिथे भी भाईचारक सांझ अपनी कोई रिश्तेदारी है सके संबंधी ने, उन्हां नू इस गल ते बचत करो कि जे पंजाब दा आने वाला भविख बचाउणा है तां झंडा चक लो अकाली दल दा, क्योंकि उहदे बिना कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। ना तां बीजेपी वालिआं ने तुहानू कख देणा, ड्रामा करदे ने। ते आ दूआ बदलाव वाला कीड़ा सुन लो, दुनिया दे विच बैठे मेरे पंजाबीओ केड़े हालात हो गए, एक कोठी दे विच सरकारी दे विच बह के पंजाब दी आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है कि असी जी पानी दी बूंद नहीं जान देंगे। बिलकुल कंध सांझी नाल वाली कोठी दे विच, सरकारी कोठी 39 सैक्टर कोठी, अपनी कुर्सियां अपनिया, पखे अपने, पानी पिलाउण वाले बंदे अपने पंजाबीओ, ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है हरियाणा दी आम आदमी पार्टी बैठी, तुसी सारे ने सोशल मीडिया देखा, ते ओ कह रहे ने कि पानी दी बूंद बूंद लेके जावांगे। सिद्धू मूसे वाले दा गाना तुसी सारे ने सुनिया, ओदे गाने दे अगे ओ 17 ने कि 2025 दे विच हरियाणा दे विच कल्ले कल्ले खेत ते पानी पहुंचा देंगे आम आदमी पार्टी वाले। ए सोच बहुत भैड़ी ते डूंगी है, क्योंकि जेड़ियां आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, उन्हां नू पंजाब दा कोई हित नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ झूठा डमरू बजाउंदे ने, क्योंकि थोड़ियां सरदारियां नू रोल के, थोड़ियां दाड़ा साहब नू रोल के, थोड़े पानी नू खो के ए राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली विच सरकारां बनाउण नू फिरदे ने, सरकारां बनाउण नू फिरदे ने, पंजाबी ओ सरकारां बनाउण नू फिरदे ने। तुहानू बखवादी दसदे ने, तुहानू अतवादी दसदे ने। मैं नौजवान वीरां नू सीमित शब्दां दे विच एक गल होर याद कराउणी चाहुंदा, इतिहास पढ़ो इतिहास, जिहड़ा ओ दौर, ओ माड़ा दौर पंजाब ने झल्लिया, पंजाब दे नौजवानां ने हिक्कां ते गोलियां खाधियां ने, पंजाब दे एक पीढ़ी कांग्रेस ने गोलियां मार मार के मारी है, ओदी जड़ आई SYL नहर सी, SYL नहर। पढ़ो इतिहास नू, ओ नहर तो शुरू श्रोमणी अकाली दल ने शांतमई संघर्ष शुरू किया सी, पर बाद विच पंजाब दे नौजवानां नू बखवादी आख्या, अतवादी आख्या, ते ओ दौर गया, ओ दौर चलिया, ते सानू पूरे भारत विच लोकां ने बदनाम किया। अज इतिहास फिर अपने आप नू दोहरा रहा है, अज फिर आम आदमी पार्टी ने साडिया पगां नू, साडे दाड़िया नू दित्ती है जेल, डिब्रूगढ़ बैठे ने नौजवान, अज फिर थोड़े धीआं पुत्तां नू ए लोग बखवादी अतवादी दस रहे ने, अज फिर 40 साल बाद थोड़ी ओही पानी ओही नहर चलाउण नू फिरदे ने, कहिंदे सर्वेखण करांगे। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी कल ऐलान करके आए सी कि कोई सर्वेखण सर्वेखण नहीं होण देंगे,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਰਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੱਖਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੱਖਵਾਦੀ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਵਾਦੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਓ, ਸਜਾ ਲਓ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਲੱਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਘਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਘਰੇ ਬੱਲਬ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤਾਂ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਪੁੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨੀ ਪਈ ਨੌਜਵੀਰ ਕਹੋ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਗਿਰਦਾ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਚਗਿਰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ,
गुरु रविदास जी की यादगार जंगी यादगारा बड़ा कलूकारा छोटा कलूकारा जेड़ी मर्जी लोग भलाई स्कीम नू हथ ला लियो श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल बोलदा इसलिए जे तुसी चाहुंदे हो कि दिल्ली की चौधरदारी हुण नहीं चलूगी पंजाब विच पंजाबी राज करनगे तां गज बज के जकारा बावां खड़िया करके तां दियो जो पिंड पिंड जाके झंडा चाके चलोंगे गज बज के जकारा बुलाओ जी परे सोनिहार। सो मेरी बेनती है ए लहर नू पिंड पिंड लेके जाओ पानी बाहर ना जान अपने हकां ते डाका ना बजे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सरबजीत सिंह जी झिंजर साहब दा हुण उन्हां दा सन्मान समुची पहला झिंजर साहब। हां जी साडे पार्टी प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल। सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब जी इधरों थोड़े पिछे हो जाए सारे पिछे हो जाओ यार थोड़े इधर आयो यार तुम सारे आ जाओ तुम आ जाना इन आ जाते बाकी आप सिक्योरिटी पिछे हो जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं थोड़े हलके दे सेवादार कुलवंत जी नू वधाई देना चाहना। अज जिन्ना नौजवानों का कट होया मैनू लगता भगवंत मान जी मैनू पता जो भी मैं स्टेज ते बोलदा हुन्ना भगवंत मान नाल दे नाल टीवी देखन लग जांदा किन्ने बंदे आए है। इस करके कैमरे वाले हो आ कट तरफ कैमरा करके दिखा दियो भगवंत मान जिथों तू बने जिथों कर जिस जगह करके अज तू पंजाब का मुख्यमंत्री बने अज उस धरती ते मैं बैठा संगतां विच ते अज दा कट अज तो जिहड़ा नौजवानां दा तूफान अज बरनाले तो शुरू होगा भगवंत माना तेरे कोले हुण समा बहुत थोड़ा रह गया मैं कह सकदा पंजाब दे ते देश दे इतिहास विच जे किसे भी सूबे दे मुख्यमंत्री बारे पता करो या पंजाब दे मुख्यमंत्री जिन्ने बने हैं जदों दा पंजाब आजाद देश आजाद होया सब तो नलायक निखिध निकम्मा मुख्यमंत्री भगवंत मान है। शर्म आउंदी है कहिंदे आ साडा मुख्यमंत्री है शर्म आउंदी है। नौजवानों आ मुख्यमंत्री कहिंदे लायक नहीं तुसी जानते हो जिदों नवी नवा मुख्यमंत्री बनिया आ चला गया जर्मनी चले गया उथे कोई एग्जीबिशन सी ते संगरूर आले ते जानते ही है जिन्नी शराब वो पींदा कोई रिकॉर्ड तोड़ दिंदा जिदों जदों वापस आ रहे असी फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे ते जहाज चढ़न लग्या जहाज दे विच वड़िया इन्नी शराब पीती सी
कि डिगदा सवारियां ते डिगदा चकदे मसा सीट ते बिठाया। जदों उह जहाज दे कैप्टन नूं पता लग्या कि शराबी आ गया जहाज दे विच, दुनिया दा कानून है हवाई जहाजां विच कोई शराबी नूं बिठा नहीं सकदे, ते कैप्टन ने आके कहा कि इहनूं कढो जहाज तो उतारो। अपने नाल पुलिस लेके गया सी दो तीन अफसर, उन्होंने कैप्टन हथ सामने बेनतियां कीतियां पर वह कहिंदे साडा कानून है, ते पंजाब दे मुख्यमंत्री शराबी मुख्यमंत्री नूं जहाज तो ला के दिता। आ तां हालात अपने बरनाले जिले वाले, लगातार इथों एम पी बनता रहा। इन्ना दस दौ किन्नी बार थोड़े कोले धन्नवाद करना है या थोनू किते मिलना है, आया कि नहीं आया। मैं पिछे जे धूरी गया, मैं पिछे जे धूरी गया जिथों एम एल ए बनिया, उथे कंधा ते लिखता लोगों ने अगे तो कोई झाड़ू ना वोट ना पाए। आ पार्टी ओ लोगों नाल कठी हुई है जिन्हों का काम लुटना ही सी। असी बड़ी बार कहा सी उदों कि आ बाहर ले है इन्हों का पंजाब ना कोई लगा नहीं, जे पंजाब या पंजाब के दिल बारे जानदा, जे लोगों दीआं मुश्किलां जानदा, जे पंजाबियां दी लड़ाई लड़दा रहा तो कल्ला अकाली दल है। मैं सारे नूं दसना चाहना झिंजर जी ने गल शुरू कीती ते उसे गल नूं मैं अगे वधाउणा चाहना। मेरे नौजवान वीरां नूं हले तक पता नहीं होना कि 40 साल पहले की हालत हुंदी सी पंजाब दी। इत्थे खेत है जिथे खेत है, जिथे अज नरमा झोना कणक है उथे टिब्बे हुंदे सी, सड़कां हुंदियां नहीं सी, नहरां हुंदियां नहीं सी, कसियां हुंदियां नहीं सी, बहुत घट ट्यूबवैल कनैक्शन सी। फिर श्रोमणी अकाली दल दीआं सरकारां बणियां। अज तुसीं इत्थों जदों घर जाओगे या अपने पिंड तो, तुसीं जे बरनाले शहर आने हो, चंडीगढ़ जाने हो, बठिंडे जाने हो या गुरु की नगरी अमृतसर मत्था टेकन जाने हो, घर तो बाहर निकलोगे जिहड़ा पिंड का स्कूल बनाया अकाली दल ने, जिहड़े पिंड में हस्पताल है या डिस्पेंसरी है बनाई अकाली दल ने, जे तुसीं ट्यूबवैल कनैक्शन देखोगे चलता उहदा कनैक्शन दिता है अकाली दल ने। मैं पिछे जे आरटीआई तो पता कराया कि किन्ने ट्यूबवैल कनैक्शन पंजाब दे है, ते केड़ी सरकार ने किन्ने दिते है। मेरे कोले आरटीआई दी चिट्ठी पई है, तकरीबन 15 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन पंजाब दे है, उन्हां विचों 13,20,000 ट्यूबवैल कनैक्शन अकाली दल ने दिते है। आ जिहड़ियां मंडियां बनाउण वाला अकाली दल, सड़कां बनाउण वाला अकाली दल, कसियां बनाउण वाला अकाली दल, थोड़े पक्के खाल बनाउण वाला अकाली दल, अंडरग्राउंड पाइपां पाउण वाला अकाली दल, एयरपोर्ट बनाउण वाला अकाली दल, थोड़े शहरां नूं चमकाउण वाला अकाली दल, ते कांग्रेस की कोई निशानी देखी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहा। मैं असेंबली सवाल पूछया, इत्थे चन्नी सी उदों लीडर ऑफ दी अपोजिशन, ते मैं सवाल पूछया कि मैनूं एक निशानी दस दिओ, एक निशानी नहीं दस सकिया। की जवाब दिता उहने पता है? कि कांग्रेस पार्टी ने 10 सालां च कल्ला सड़क ते पैचवर कीता है। आ जवाब है, उहनूं शर्म आउणी चाहीदी है। ते भगवंत मान ने तो पैचवर्क भी नहीं करना। अज हालात की है? हालात है
50,000 crore का कर्जा चाढ़ता भगवंत मान ने। इहदा मतलब है 1.5 साल च 50,000 crore जिस स्पीड ना जा रहा है, 2 साल के अंदर अंदर तनखावां सरकारी जिहड़े मुलाजम है तनखावां बंद हो जाणगियां, जिहड़े बजुर्गां नूं पेंशन है बंद हो जाणगियां, माता नूं जो सहूलत है बंद हो जाणगियां। आ जिहड़ा इन्होंने झूठा पिक प्रचार किया कि असीं 300 यूनिट दे मुफ्त, तुसी सारे जानते हो 200 तो बादल साहब दिंदे हुंदे सी, चलो मान लो 100 यूनिट देता, वह भी मेरे को गरीब बीबियां रोज आई हैं मेरे को मिलता जिथे कि बिल देखो 20,000 उन्होंने आने लग गए, हले पार्लीमेंट के बाद सारे दे आने लगन गए, पर इन्ना दिता ते की ले लिया उन्होंने तो। पहले तो उन्हें की किया पेट्रोल ते डीजल ते 2.5 रुपये का टैक्स ला के थोड़ी जेबा चो कढ लिया, जेड़े आटा दाल दे कार्ड बनाए सी आपां नीले कार्ड जिथे आपां आटा दाल दिंदे सी उहने बंद कर दिता, जेड़ी कणक थोड़े कोले आ रही है वह सेंटर सरकार दी आ रही है, जेड़े कोरोना समय दे पूरे देश नूं उन्हां ने देना शुरू किया वह कणक है, इन्हां ने तां अपने कोलों कम बंद कर दिता। जेड़े असीं पिंडां विच ग्रांटां दिंदे सी वह बंद हो गई हैं, एससी बच्चों असी पढ़ाते मुफ्त वह स्कीम बंद कर दिती है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा सारी बंद हो गई। नौजवान जानते हैं कि बादल साहब की सरकार के दौरान असी कबड्डी कितने पहुंचाया, नौजवान वर्ल्ड कप कबड्डी जिहड़ी अपने पिंडां दी खेड सी दुनिया के कोने च पहुंचा दिती, नौजवानों नौकरियां दित्तियां, टीमां करोड़ां रुपये दिता, पिंडां विच नौजवान सेहत बनाउण लगे, कबड्डी हिस्सा लैण लगे, जिवें हिस्सा लैण लगे नौजवान उन्हां नूं पैसा आउण लग गया, अपने घर दे विच उन्हां नूं आमदन आउण लग गई। पर जिस दिन अपनी सरकार गई उस दिन तो सारा बंद है। आपां अपनी सरकार दे दौरान पिंडां च असीं जिम दिंदे हुंदे सी, खेडां दा समान दिंदे हुंदे सी, जदों दी सरकार गई है एक चीज बंद है। जो बादल साहब की सरकार है मैं एक दिन देख रहा कि नौजवानों वास्ते की होया, 13 नवीं यूनिवर्सिटियां बादल साहब ने अपने 10 साल च बनाए, 13 नवीं यूनिवर्सिटी, 30 नवें कॉलेज, IIM अमृतसर, IIT रोपड़, मेरिटोरियल स्कूल, 10 स्कूल, एक फौजी भर्ती होने वास्ते अपने नौजवान फौज घट हो गए सी। महाराजा रणजीत सिंह अकैडमी मोहाली बनाई बादल साहब ने, अज जिन्ने बच्चे पूरे देश होंगे 60% उस अकैडमी अपने पंजाबी जान लग गए फौज में। बीबिया वास्ते माई भागो अकैडमी बनाती, मैं तो कहना चाहना जो कुछ इतने बनया थोड़ी अपनी पार्टी ने बनाया, पर आप गल्लां च आ जाने झूठे प्रचार च आ जाने क्योंकि काम इन्ने हो रहे सी, इन्होंने देख लिया कि हुण गल खराब हो रही है, इन्हां तीजी वार अकाली दल ने आ देना, झूठ ते झूठ बोलन लग गए, किते बेअदबी दा गल कीती, किते होर कुछ गल करती, नशे की गल करती, ते अज की हालात है, अज जिन्ना नशा बिच रहा है जे घर घर नशा बेचा जा रहा है, एदा वड्डा कारण एक है। मैं अफसरां नूं पुछिया जिहड़े मेरे टाइम दे सी, मैं कहा अज नशा क्यों बिक रहा है इन्ना ज्यादा, इन्ना जाना तां किते वी नहीं दिखिया बिकिया जिन्ना हुण बिक रहा है। मैनूं उहने अफसरां ने की कहा, कहिंदे जी असीं की करिए, जिहड़े आम आदमी पार्टी दे MLA है ओह महीना बन लिया समगलरां नाल नशा वेचने वाले, तो कोई MLA 10 लाख ले रहा महीने का, कोई 15 लाख मिले, तो SHO नूं कहता कि इस बंदे नूं छेड़ना नहीं, खुली छुट्टी दिती है। तुसी हैरान रह जाओगे आ जिहड़ा पंजाब गवर्नर है इहदी लड़ाई की है भगवंत मान नाल, तुसी हैरान रह जाओ किस गल ते है।
किसे ने पंजाब दे गवर्नर नू चिट्ठी लिखी कि लुधियाने दे शराब दे सरकारी ठेकियां ते नशा बिक रहा चिट्टा बिक रहा एदी जांच की जाए। भगवंत मान ने जवाब नहीं दिता, गवर्नर ने फिर तो चिट्ठी लिखी, भगवंत मान ने फिर जवाब नहीं दिता। फिर गवर्नर ने दिल्ली दी एजेंसी है जिहड़ी देश विच नशा रोकदी है उन्हां नू चिट्ठी लिखी कि तुसी छापा मारो। आ चार महीने पहले इन्होंने छापा मारिया एजेंसी ने 66 ठेके शराब दे लुधियाने शहर दे हड़े छापा मारिया, सारिया ते चिट्टा शराब की बोतल ना बेची जांदे सी, उन्होंने सील किते। फिर उहदे बाद की होया, एक महीने बाद भगवंत मान ने खोल दिते क्योंकि महीने का महीने पैसा आ रहा। अज मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं है, केजरीवाल है। तुसी देख लो जे किते स्कूल का रंग रूंग करके उद्घाटन कर देंदे है भगवंत मान तो नहीं करता, केजरीवाल नूं बुलाउंदे है। इत्थे पटियाले हुणे हस्पताल दे नौ दो मंजे वध लाते उद्घाटन करने वास्ते किनू बुलाया, केजरीवाल नूं। व्यापारियां दी मुश्किलां सुनन वास्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं आ गया, केजरीवाल आया है। कि आपां केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाया, केजरीवाल जिन्ना झूठा जिन्ने इन्होंने लुटिया देश विच हुण कर की रहे है। आ पिछले दिनां च अपना नुकसान हो गया, नहरी अपना जिहड़ा हड़ा ए है पूरे पंजाब पिंडां च गया मैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिखी नहीं। उस समय जे लोगों ने कट्ठे होके आ जिन्ने भी पाड़ पए सी लोगों ने भरे, सरकार ने एक नहीं भरिया। आ श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिंड पिंड जाके राशन वंडिया, चारा दिता, दवाइयां दित्तियां, पर सरकार चुप रही। आ हड़ क्यों आए है, आ कोई बरसात करके नहीं खराब होया काम, खराब होया मैं असलियत दसना चाहना भगवंत मान की नलैकी करके। क्योंकि जो बादल साहब मुख्यमंत्री सी, जो अपना अप्रैल का महीना आंदा, मुख्यमंत्री बादल साहब सारे डीसियां दी मीटिंग सदे, इरीगेशन ते ड्रेनेज महकमे दी मीटिंग सदे, ते पुछदे की लोड़ है, कोई सेम नालियां नूं साफ कर लो, कसियां नूं साफ कर दिओ, जिथे दरिया वगदे उथे जिथे ढिल्ला टुटिया बंद है उहनूं पक्का करन वास्ते पैसे दे के तीन महीने पहले तैयारी कर लैंदे सी। पर भगवंत मान ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਡੈਮ ਫੜ ਜੂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰੋੜਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਐਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਗੇਟ ਹੈ, ਆ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MP, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ 32 ਤੇ 32 ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਟ ਨਹੀਂ 32 ਖੁੱਲੇ, ਕਿਤੇ 2 ਗੇਟ ਖਿੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ 4 ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, 3 ਸਾਲ ਟੱਪਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਆ 3 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਣਗੇ, ਜੈ ਜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ,
आ जेड़ी आ झाड़ू वाले की बीमारी है ना, आ झाड़ू वाले की बीमारी शुरू इथे ही हुई सी। ऐसी है जी स्प्रे कर दो ना कि जवान जड़ों खाड़ दियो, जे तुसी खाड़ दिती तां पंजाब तां उड़ जानी है। आ मैं तुहानूं दसां तुसी पंजाब दा भले दा कम करोगे, अपने पंजाब नूं बचाउण दा कम करोगे जे बीमारी खड़ दियो। भगवंत मान कहिंदा की हुंदा सी ते हुण करदा की है, की कहिंदा हुंदा सी? हरा पेन है उहदे कोले, हरा पेन है, मैं पिंडा छूंगा हरे पेन नाल, थोड़े हक च फैसले करूंगा। कित्थे गया हरा पेन, कित्थे गया भगवंत मान? अजकल क्या जांदा, अजकल हो की रहा? भगवंत मान नूं तां कहिंदे आ चीफ मिनिस्टर है कागजां च, पर तीन डिप्टी सीएम है, माता जी, भैन जी ते भाभी जी, तीन डिप्टी सीएम। इस करके मैं नौजवानों नूं दसना चाहना है, तुसी वापस आ जिहड़े 10 साल खराब हो गए, अगे तो ना मौका किसी नूं दिओ। अपने तो सियाने गुजराती है, जो मर्जी 25 साल हो गए मोदी का खेड़ा नहीं छड़ दे, उन्हें पता है मोदी ने सारा कुछ बनाया है। अपने तो सियाने दूजे सूबे वाले है, जिहड़ा देखते है कि केड़ी अपनी पार्टी है केड़ी बाहर दी है। जे सारा कुछ ही श्रोमणी अकाली दल थोड़ी खेतरी पार्टी ने किया, जे थोड़ी बांह फड़ी है, थोड़ी लड़ाई लड़ी है, थोड़ा पानी बचाया, तो फिर आप इस पार्टी कमजोर कर देंगे ते नुकसान अपना ही होना है। जे किसे सूबे दी फौज, देश दी फौज तकड़ी होए, उस सूबे ते कोई हमला नहीं कर सकता, अमरीका ते कोई हमला नहीं कर सकता। श्रोमणी अकाली दल थोड़ी फौज है, आ तिने पार्टियां, आ बीजेपी, आम आदमी ते कांग्रेस, दिल्ली दी पार्टियां है, ते थोनूं होर खुशखबरी दे देना है, आ दो चोर कट्ठे हो गए है, अगला पार्लीमेंट इलेक्शन आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस कट्ठे होके लड़ रहे हैं, 7 सीटां ते आम आदमी पार्टी लड़ूगी ते 7 सीटां चंडीगढ़ नूं मिला के कांग्रेस लड़ रही है। देखो आ हालात आ गए। मैं थोनूं दसना चाहना, थोड़ी खेतरी पार्टी कल्ली लड़ूगी, थोड़े सिर ते हाथ रख दियो, सारे नूं ते नैशनल पार्टियां नूं पंजाब तों बाहर भजा के सट्टांगे। मैनू जकारे ना दसो, अपनी खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल नूं जिताऊंगे, आ नैशनल पार्टियां नूं भजाऊंगे, नैशनल पार्टियां तिन्ना नूं भजाऊंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दा। हुण सन्मान किया जाना नौजवानों वालों, बेनती है साढ़े दवानिया तो ढाडी रमनदीप भाई हरजिंदर जी, वह भी पहुंचे, उन्होंने जीवाया। हुण सब तो पहला मैं बेनती करूं।